गाइस यहाँ पर बस और ये ट्रक फंस गया है और 5,000 का चेंज करा दिया हमने। यहाँ अल्टो फंस गई, निकाल 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 का जीना है ये समझ लो। मैं इस टाइम जीने पे चढ़ रहा हूँ एरोक्स लेके। ओ हो 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 भाई अब फट रही है, अब तो बहुत खतरनाक सा सीन हो गया है। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम द नौलंदा पोखरा से ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर और आगे चल के रात का मैं रुका था। जैसे मैंने बताया था तो रात में तो कुछ दिखाने लायक था नहीं। हम सडन बहुत अच्छी लोकेशन पर रुक गए थे, एक्चुअली बारिश शुरू हो गई थी यहाँ से और आपको पानी का साउंड सुनाई दे रहा होगा तो मैं दिखाता हूँ कहाँ रुके। तो बाहर चलते हैं भाई। अब आप ये देखो तो ये है कुछ लोकेशन जहां हम रुके थे। तो गाइस लगेज लोड होने लगा है फिर से बांद्रा, लेकिन उससे पहले चाय आ गए हैं, चाय पी लेते हैं, नाश्ता करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हर हर महादेव रक्षा करना प्रभु आज की जर्नी। ठीक है बाय। तो टाइम हो रहा है 9:22, स्कूटी चल गई है हमारी 1,003 किलोमीटर और पेट्रोल टैंक बिल्कुल खत्म है। तो सबसे पहले अपने को कराना है पेट्रोल टैंक फुल। ये था एरिया जो यहाँ रुके थे, पुष्पांजलि रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस, यहाँ मोड़ पे मैं रुका था और यहीं बारिश तेज हुई यहाँ के बाद यहाँ रुक गया आके। अब चलते हैं यहाँ से जल्दी आगे मुक्तिनाथ के लिए। रात तो जम के बारिश हुई है भाई, अभी बिल्कुल बारिश नहीं है, मौसम ऐसे ही है और लोकल से पता चला है कि कंडीशन आगे की ठीक नहीं है, बट वहाँ तक तो जाएंगे जहाँ तक कंडीशन ठीक नहीं है। तो गाइस फाइनली 25 किलोमीटर चलने के बाद अपने को पेट्रोल पंप मिल गया। यहाँ पर सांसें रुक गई थी क्योंकि और मैं रिजर्व में लग गई थी, कहाँ बंद हो कहाँ बंद हो। ढलान वाले पे 5-6 किलोमीटर तो मैंने इस बंद करके ही चलाई है, तब पहुँचे नहीं तो आज धक्का लगाना पड़ जाता भाई को। पेट्रोल डलवाते हैं यहाँ से तो 5.5 लीटर टैंक में और 5 लीटर की है जेरी कैन। अब 10.5 लीटर पेट्रोल अपने पास है तो मैंने सैडल बैग के हैंडलों से ये एक्स्ट्रा होते हैं पकड़ने के लिए सैडल बैग को, उससे कैन को यहाँ पर बांध दिया, एक से बांध दिया एक और से बांध देता ताकि दिक्कत ना हो बाद में। तो अब सब सेट है, चलो अब चलते हैं। तो 5,000 रुपये मैंने दे दिए और 5,000 का चेंज करा दिया हमने। ये है 1,000 का नोट, एक सेकंड लाओ फोन दो। तो इन भैया ने हमारे वाइट टी शर्ट वाले जो हैं इन्होंने बहुत हेल्प की, कहाँ एफर्ट्स लगाए तो इनके साथ भाई फ़ोटो खिंचा रहे हैं। सही है मस्त कैमरा वीडियो बन रही है इसमें तुम्हारी। तो ये 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 5,000 तो हमें मिला है 5,000 का यहाँ 7,500 रुपया। तो बच्चे फुटबॉल खेलते हुए हेलो 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 भाई साहब रिएक्शन कालिका मंदिर के पास से होते हुए ना। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड पुलिस चौकी ठीक है। अच्छा 3 किलोमीटर चलना है वहाँ से। ओके ठीक है थैंक यू। ये है रास्ता मुक्ति ना है जाने बाटो नेपाली में लिखा, मतलब मुक्ति दाँत जाने का रास्ता है और ऐसी तैसी होनी शुरू हो गई है, फुल ऑफ रोड है। और सुनने में यह आया है यहाँ से देखो ये है नेविगेशन में तो दिखा रहा है 106 किलोमीटर लोग यहाँ से पैदल जाते हैं मंदिर, जिन्होंने बोला होता है माना होता है पैदल जाते हैं। तो डेंजरस तो है महादेव रक्षा करना प्रभु भाई, सब कुछ होना शुरू हो गया है अब।
गॉड, आ जाओ पाजी, तुम आ जाओ पहले। ठीक है, क्या करवा रहे हो यार? डर तो नहीं लग रहा? खैर हैं, डर तो नहीं लग रहा, खैर निकल जाएगी, लेकिन पूरा ही रास्ता ऐसा होना था। डर नहीं रहा यार, चलो जी, डर नहीं रहा, बट थोड़ा तो रोड होना चाहिए था ना यार। सौरभ भाई आप चलो आगे, हाँ मैं थोड़ा, हाँ आपको ठीक है, टायर की तरफ देखूंगा यार। टायर साथ, आराम से भाई, गिरना मत भाई, आराम से। तो हम लोग जल्दी किसी बात की नहीं कर रहे, हमारा जो परमिट है वो कल तक का है, मतलब हमें कल पहुंचना है बॉर्डर तक, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आज शाम तक हम पहुंचेंगे, 5-6 बजे तक मुक्तिनाथ, और फिर हम टेंपल नहीं जाएंगे आज विज़िट करने, महादेव के दर्शन करने, बिकॉज़ वो 7 बजे ऑफ हो जाता है। अभी कुछ नहीं हुआ, 102 किलोमीटर, 4 किलोमीटर में 40 वाटर क्रॉसिंग, 100 किलोमीटर में कितनी आएंगी? अरे हाँ यार, पाल चला नेपाल, और हेलमेट पहने सर पे नहीं बचे बाल, और ये हैंगिंग ब्रिज है यहाँ पर। ओह माय गॉड, रे दादा, टाइम पूरा लग रहा है, किलोमीटर्स ऐसे कम हो रहे हैं जैसे अभी शुरू ही किया है। ओह वाह, आगे आ गया मस्त हाईवे। देख रहे हो इस हाईवे को हम क्या दें नाम बताओ? इस हाईवे को हम नाम देते हैं, पहले निकल लेते हैं तो यहाँ कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा रहेगा, तो इस हाईवे को हम नाम देते हैं कीचड़ हाईवे। यहाँ अल्टो फंस गई, निकाल 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 ली भाई, अल्टो फंसी हुई थी यहाँ पर। तो भाई जस्ट 15 किलोमीटर कवर किया है, बहुत बुरी वाली हालत हो गई है, बहुत ज़्यादा बुरी वाली, मतलब मेरे को 3 दिन ड्राइव करने के बाद, 1200 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ड्राइव करा है नहीं करा है, इतनी आदत हो गई है। लेकिन ये 15 किलोमीटर का पैच जो फर्स्ट टाइम इतना भाई ने पहले बैक किया हुआ है ना भाई, भाई चल जाते हैं, चल जाता है भाई की गाइडेंस में चल रहा हूँ, तो मैं इतना कर भी पा रहा हूँ सोलो भाई, बहुत मुश्किल है ये, गट्स होने चाहिए, और सोलो ही समझ लो हम दो ही लोग हैं, और कभी कभी आगे पीछे हो भी जाते हैं, तो यहाँ इतना क्या आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। रात को एक टाइम ऐसा आ गया था, मैंने भाई से बोला भाई नहीं होगा यार, छोड़ो, मौसम खराब हो गया, रात इतनी तेज कंडीशन में बारिश हो रही थी। सोलो भाई ने मोटिवेशन दी, मैंने इनको मोटिवेशन दी भाई, ऐसे नहीं ऐसे यहाँ से लौटेंगे क्या? अगर चीजें खराब होती तो ही लौटेंगे, वरना भाई करके चलेंगे, तो भाई मान गए भाई। घर से भी कॉल आ गया था जैसे मैंने बताया, और फिर बारिश वारिश देख के भाई मैंने कहा भाई यार वापस चल रहे, नहीं होगा नहीं होगा, बट सुबह का मौसम बहुत अच्छा था, अब भी मौसम अच्छा है, धूप आ रही है, और 15 किलोमीटर कवर कर दिया है, 90 किलोमीटर ऑलमोस्ट रह गया है,
सारा ऐसी पैच है और हालत खराब है। करते हैं, यहाँ रुके हैं, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ क्योंकि डिहाइड्रेट हो गया तो और दिक्कत आ जाएगी। पानी पीते रहना है, मैगी खाते हैं, उल्टी एनर्जी लाते हैं और फिर चलते हैं वापस। इस 15 किलोमीटर चलने के बाद तगड़े वाला ऑफ रोड वाटर क्रॉसिंग के बाद कंडीशन ये हो गई है और मेरा इधर साइड का क्रैश गार्ड तो पहले ही टूट गया था ये, और अब इधर साइड का क्रैश गार्ड भी टूट चुका है। तो इसके टूटने के मतलब ये खुला नहीं है, यहाँ से वेल्डिंग जो होती है वो वेल्डिंग छूट गई है। और इतनी ज्यादा गंदी एयरबैग्स मैंने कभी नहीं रखी भाई, बहुत ज्यादा देखा नहीं जा रहा। देखो कितनी मिट्टी भर गई है, अंदर जम गई है। और भाई के एग्जॉस्ट तो व्हाइट हो गए हैं, ब्लैक लेकर आए थे। तो बहुत तगड़ा ऑफ रोड चल रहा है, हालत खराब है वाटर क्रॉसिंग, और बहुत कम ही एरिया ऐसा है जहां हमें ऐसा रोड मिलता है। जगह का नाम है बाईसराई, जहां रुके थे पानी वानी पीने के लिए क्योंकि डिहाइड्रेट भी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा थकान हो रही है। तो चलते हम निकलते हैं यहां से फटाफट। चले भाई, व्यू तो है अच्छा पर मंजिल अभी दूर है। 90 किलोमीटर इट मींस 180, ये समझ लो। तो भाई कंडीशन बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। चलते हैं अब फटाफट से। यहाँ हमने एक एक मैगी ले ली और पानी और ले लिया। आ तेरी अब बेटे, और कुछ भाई ये तो बहुत ही तगड़े वाला है। ओह माय गॉड, क्या होंगे जूते खराब, और कुछ नहीं। मैं चलूं आगे, मेरी लगवाओगे वाट भाई? मैं नहीं, उसका पता लग जाएगा भाई जा रहा है, लोकल भाई बताएगा। चलो भाई, सारा गीला हो गया यार, सारा रास्ते अपनी चरम सीमा पर, जितना कुछ डेडली करवा सकते हैं मुझसे ये रास्ते, वो करवाना चाह रहे हैं। एंड ही नहीं आ रहा इनका, कहां पर एंड खत्म होगा। देखो देखो, जीना है ये समझ लो, मैं इस टाइम जीने पे चढ़ रहा हूँ एरोक्स लेके। जीने पे फिर भी चढ़ा जा सकता है ये तो। अबे यार चढ़ गई, छोड़ो, सही चल रही है, सही चल रही है, दिक्कत नहीं है। अराउंड 64 किलोमीटर रह गया। हाँ अभी 2.5 घंटा, सही है। 2.5 घंटे का मतलब है? अबे यहाँ तो टोयोटा ही टोयोटा का खड़ी है। अरे भाई ऊपर देखो, वहाँ वाटरफॉल, वो नीचे तक आ रहा है। चलो चलते हैं आगे। अरे भाई पानी आ रहा है कैमरे पे, कम ऑन। हो गया, अब आगे क्रेन चल रही है तो थोड़ा टाइम लगेगा निकलने में। रास्ते की कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने की वजह से क्रेन वहाँ पे वर्क कर रही है, हमें कुछ देर रुकना पड़ रहा है। टूरिस्ट अपने ले रहे हैं मज़े क्योंकि यहाँ इतना बड़ा वाटरफॉल और ये ऊपर। तो गाइज़ यहाँ पर बस और ये ट्रक फंस गया है, इसको निकालने के लिए जेसीबी आई हुई है और ड्राई हो रहा है इसमें काफी। देख रहे लोगों की खुशी, निकल गई भाई, निकल गई, पूरी बस खींच के ले गए भाई ये तो। तो भाई पुलिस वालों ने रोका है यहाँ पर। अरे बुला रहे हैं भाई, बुला रहे हैं, कुछ चेकिंग वगैरह होगी यहाँ शायद। ओके बाइक एंट्री। ओह गॉड, हालत देखो
क्या हो गई है? हैं? परमिट हाँ। और बाइक बंदर, बाइक सुपर। एक सेकंड। तो यहाँ में चेक पोस्ट है तीनों से पहले हैं। सॉरी हाँ तो अलाउड नहीं है, इधर से ऊपर मना है। चल ही नहीं रहा सर, बैटरी डाउन हो गई, बंद है। तो गाइज यहाँ पर हुआ था परमिट चेक अपना गाड़ी का, और इसके बाद यहाँ से मुक्तिनाथ के लिए पर्सन का भी परमिट लगता है। तो हमारा यहाँ परमिट बनाया और उसके लगे 2000 NC में, यानी कि नेपाल करेंसी 2000 लगी है। दो हज़ार रुपये हम दोनों लोगों ने दिए हैं यहाँ पर मुक्तिनाथ विज़िट करने के लिए। और ये नो एक दिक्कत और हो गई, यहाँ के बाद आगे हम ड्रोन वगैरह शूट नहीं कर सकते, तो हमें ड्रोन यहीं सबमिट कराना पड़ गया है। ड्रोन यहीं जमा हो गया हमारा। और यहाँ की यार रोड कैसी है, बजरी सी डाल रखी है, ऐसी रोड है। तो भाई आप जोम सोम की तरफ बढ़ गए हैं और टेम्परेचर हो गया है 10 डिग्री। देखो फॉग कितना है, कोहरा ही कोहरा हो गया आगे, टेम्परेचर कम होता जा रहा है अब। तो गाइस फाइनली बहुत ज्यादा डेडली ऑफ रोड करने के बाद मजा आ गया भाई, गले मिलो यार। मैं नहीं मिल रहा गले, मैं लेके आया भाई, पूरा आदमी गाली देता है मुझे पूरा रास्ते। मैं भाई तगड़ी ऑफ रोडिंग, एक बार को ऐसा कंडीशन हो गई थी भाई, रोने जैसा हाल हो गया था। मैंने तुम्हारा भाई रहा, तुम्हारा भाई तारा भाई सौरभ, तो भाई छाती पीट के लाल कर देगा आज। तो भाई हार नहीं माननी चाहिए, कहने का मतलब ये है मानेंगे हार, थोड़ी सी ठीक है मानना पड़ेगा, थोड़ा सा पैच ऐसा था, हार ज्यादा मैं। लेकिन जब आपके साथ बड़े भाई हों और इनको सीरियस ले लो इनकी बातों को, हम लाएंगे भाई, मैं करके लाएंगे आगे। हाँ। चल के मैंने बोला टायर पे चलते रहो आ जाओगे, मेरे पीछे चलते रहो आ जाओगे, अगर मैं पीछे चला जाऊंगा ना तो विष्णु भाई भूल जाओ। ठीक है, तो फाइनली देखो लोकेशन सब फॉग में है, 10 डिग्री टेम्परेचर है और पूरी वैली फॉग से ढकी हुई है। नीचे भाई है पहाड़ वहाड़ भी नजर नहीं आ रहे। और ये भाई भी आ गया हमारे साथ, हेलो क्या हाल है, नेपाल से हो गया? बस 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 गो। तो मजा आ गया, थोड़ा सा रह गया यहाँ से जोम सोम, उसके बाद मुक्तिनाथ। 2000 रुपए अभी जो पे कर रहे हैं, जो चुभ रहे थे भाई वसूल है। 2 मिनट बाद ही मैं बोल रहा हूँ वसूल है। ठीक है, और ऐसी लोकेशन आगे, इससे आप आइडिया लगा लो आगे क्या हाल होने वाला है भाई, मजा आने वाला है एकदम मजा। और भाई ने निकाल ली है जैकेट जो हमारे साथ लोकल मिले थे, तो ये भी भाई ने फुल सपोर्ट किया है, हमारे साथ चल रहे हैं, जैकेट निकाल ली, अपने फोटो खिंचवा रहे हैं। तो मैं भी इसके ऊपर रेनकोट पहन लेता हूँ क्योंकि अपने को अब ठंड लगने लगी है। तो चलिए गाइस वापस से पहुंचते हैं फटाफट से जल्दी से जोम सोम, अब तो वेट नहीं हो रहा यार, सारी थकान वकान सब एक्साइटमेंट में बदल गई है, एकदम से एनर्जी आ गई है ये वाली वादियाँ और ये फॉग वगैरह देख के और इतना ब्यूटीफुल सा रोड देख के मज़ा आ रहा है एकदम से मज़ा। ओ, 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 छोटे छोटे बच्चे। तो गाइस सडन पहाड़ों का कलर चेंज हो गया है, हरियाली धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि हम एंटर करेंगे मुक्तिनाथ की तरफ, तो वैसे वैसे पहाड़ रफ होते जाएंगे, हरियाली कम होती जाएगी। और एकदम मस्त वाला व्यू आ रहा है वापस से, रोड भी बढ़िया हो गया है। हाय। तो गाइस व्यू देखो आप, व्यू किस पॉइंट पे आ गए हम। खाना खाने की कोशिश की बट यहाँ खाना वाना तो मिलता ही नहीं है, यहाँ मिले बस नूडल्स और मोमोज। तो मोमोज मैंने खाने नहीं थे, मैंने चाउमीन खाई एक प्लेट और निकलते हैं मुक्तिनाथ के लिए। एटमॉस्फेयर माय गॉड, बहुत ठंड हो गई है भाई बहुत, और देखो वहाँ पे बर्फ दिख रही है ऊपर देखो है।
तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं मुक्तिनाथ टेंपल के पास। 1 किलोमीटर पहले रुक गए क्योंकि यहाँ से है 1 किलोमीटर का ट्रैक और इसे करेंगे हम मॉर्निंग में स्टार्ट, बिकॉज 7 बजे टेंपल बंद हो गया था। अब मॉर्निंग में टेंपल विजिट करेंगे जाकर। और हम रुके हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ, बहुत ही ज़्यादा। हमारे सामने स्नो पड़ रही है, बर्फ़ दिख रही है। और हमारा कुछ आज का होटल नहीं है, आज का है लकड़ी से बना हुआ पूरा घर, क्योंकि यहाँ चाहिए गर्म रहने के लिए। और भाई तो आके पहले घुस गए हैं, देखो बाय बाय करने वाले हैं बस। तो इनका हिसाब किताब पहले सेट हो गया है और मैंने ले लिया है, क्योंकि हम जेट प्रूफ ज्योत भाई को बहुत फॉलो करते हैं और उनकी तरह एक टोपा भी तो ये पहनेंगे कल सुबह। और सुबह आपके लिए सरप्राइज है, कल की वीडियो जरूर देखना गाइज। अपने को जहाँ पहुँचना था वो तो पहुँच गया, मुक्तिनाथ लास्ट है, इसके बाद वापस चलेंगे। और बाकी हल्का सा बाहर दिखा देता हूँ, वैसे अभी कुछ दिखाने लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। ये देखो काफ़ी अंधेरा है, बिल्कुल टॉप पे हैं हम। और लास्ट में मेरा कैमरा बंद हो गया था बिकॉज ऑफ बैटरी ख़त्म हो गई थी। मैंने ऐसा रास्ता था, मैंने रोक कर बैटरी चेंज करने का नहीं सोचा, मैंने सीधा लास्ट अपडेट देता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह आपसे मॉर्निंग में, मुक्तिनाथ टेंपल दर्शन कराते हैं और यहाँ का व्यू दिखाते हैं, एकदम मस्त आने वाला है। तब तक के लिए बब्बा टेक केयर, अपना ख्याल रखना, फैमिली का ख्याल रखना, और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से पहले का सारा अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे मिलने वाला है। बब्बा टेक केयर। पोखरा से ऊपर मुक्तिनाथ, हम तो करेंगे ऐसे ही ब्लॉग का एंड, देखना है। देखो ज्यादा हो गया ये।